श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ जिले से गिरफ्तार किया गया। हमारे सहयोगी विनायक गुप्ता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, अपनी नजर लगातार उन्होंने बनाई हुई है। विनायक, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि अगर सोसाइटी वासियों ने या फिर और लोगों ने अभद्रता का पिछली बार भी आरोप लगाया अगर श्रीकांत त्यागी पर, तो अब से पहले उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी, आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी जो है एक बड़े बड़े नेताओं के साथ में उठना बैठना था, उसके साथ में जो बड़े नेताओं के सांसद हो या मंत्री हो, उनके बेटे जो होते थे वो भी इनके घर में आना जाना लगा रहता था। तो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण के जब अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे होंगे तो शिकायतें मिली थी, तो कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो रहा था। हालांकि जब ये वीडियो, जब 4 दिन पहले एक महिला से बदतमीजी करते हुए का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब उस पर कार्रवाई करने के लिए भी नोएडा पुलिस की तरफ से कहा गया था, लेकिन तत्काल कार्रवाई नहीं की गई थी। उसी को लेकर के श्रीकांत त्यागी जो है वहाँ से फरार हो गया। तो उसके बाद में जब जो सोसाइटी निवासी थे वहाँ पर जाके थाने में जाके हंगामा किया, उसके बाद में जब प्रदर्शन बढ़ता हुआ देखा तो पुलिस जब वहाँ पर पहुंची जब तक श्रीकांत त्यागी वहाँ से फरार हो चुका था। हालांकि इसको लेकर के महेश शर्मा वहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर के सांसद, वहाँ पर पहुंचे थे सोसाइटी निवासियों के बीच में। उन्होंने जब 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का वो कहा था कि हम इसकी जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी दिखाएंगे बोला था। तो हालांकि 24 घंटे के अंदर में जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो शाम को फिर सोसाइटी निवासियों ने हंगामा करके डॉक्टर महेश शर्मा वहां शाम को पहुंचे हुए थे और उन्होंने खुद जो है उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारियों को फोन करके साफ तौर पर कहा था कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाए, 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, हमें शर्मिंदगी हो रही है कि सोसाइटी निवासियों को क्या जवाब दे कि 24 घंटे होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है सख्त कदम उठाते हुए जो एक जो थाना प्रभारी थे सबसे पहले उसको सस्पेंड किया गया। हालांकि उसके बाद में जो वहाँ पर बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि पुलिस के ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर था, एक बड़ा चैलेंज उनके सामने था कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अगर इस तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं उन्हें जवाब देना पड़ेगा, जनता उनसे सवाल करेगी पुलिस प्रशासन से। लेकिन विनायक, श्रीकांत त्यागी चूंकि 4 दिन से फरार चल रहे थे, अब ऐसे में क्या उनको कितने बड़े नेताओं की शह मिल रही थी या फिर अधिकारियों की शह मिल रही थी जिस कारण उनकी इतनी हिम्मत हुई कि लगातार वो अभद्रता भी कर रहे थे, सोसाइटी वाले जो लोग थे वो उनसे खासा परेशान थे, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये आपको बता दूं कि जो प्रदेश सरकार के जो नेताएं हैं वो उनके कॉन्टेक्ट में कुछ नेताएं थे, कुछ संपर्क में थे जिनसे उनकी अच्छी खासी बातचीत थी, तो इस चीज़ को लेकर के वो लोगों को जो है उस सत्ता का जो रुआब दिखाया करते थे। इस चीज़ को लेकर के उस दिन भी जो महिला के साथ में बदतमीजी के तरीके से वीडियो भी वायरल हुआ है, धक्का मुक्की करते हुए महिला के साथ में दिखाई दे रहे हैं, गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका एक मन बड़ा हुआ था नेताओं के चक्कर में, जो सत्ता का एक नशा होता है उसमें था। तो कहीं ना कहीं हालांकि अब वो सत्ता का नशा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना ही तो इस समय कोई जो नेता है वो उसके साथ भी खड़े होते नजर आ रहे हैं, ना ही कोई 4 दिन से फरार चल रहे थे। आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित बता रही हैं, उनकी सरकार जो है वो पूरी तरीके से जनता के लिए काम कर रही है, समर्पित है, उन्हीं के लिए काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसे नेता और ऐसे मंत्री जब है योगी सरकार के ही, जब वो इस तरह की कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो सरकार पर भी लोग सवाल उठाएंगे। जी, लगातार यही इस मामले में भी हुआ था, जो लोगों का, सोसाइटी निवासियों का भी साफ तौर पे कहना था कि सरकार इनके यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं का लगा होता है। जो अगर हालांकि देखा जाए तस्वीरों के माध्यम से जो उनके पास में गाड़ियां बरामद हुई है उसमें झंडे लगे हुए हैं और साथ ही साथ विधायक के जो स्टिकर होते हैं वो स्टिकर भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेताओं के साथ में उठा बैठ थी उनकी, उस चीज़ को लेकर के ये लोगों को रुआब दिखाया करते थे। जो सोसाइटी निवासी थे उनको डराया धमकाया करते थे, गनमैन जो है इनको 3 बार मिली गई थी, गाजियाबाद की तरफ से भी मिली गई थी और फिर हटा भी दी गई थी। तो इस चीज को लेकर के भी जो है जो आसपास के जो उनके सोसाइटी के लोग थे उनको डराया धमकाया करते थे। तो कहीं ना कहीं उस दिन भी यही मामला हुआ था जब महिला उनसे अवैध निर्माण के लिए जब रोकने का प्रयास कर रही थी तो उससे भी बदसुलीकी की गई थी। और विनायक, कहीं ना कहीं ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह की कोई घटना सामने आई है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं और ऐसी तस्वीरें हम देख चुके हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, तो योगी सरकार उन पर सख्त एक्शन लेने से गुरेज नहीं करती है और आने वाले वक्त में भी इसी तरह का संदेश योगी सरकार ने दिया है कि चाहे कोई भी होगा उस पर इसी तरह की कार्रवाई और एक्शन लिया जाएगा।
जी ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन देखा जाता है, या कहीं अवैध निर्माण चल रहा हो या कहीं महिलाओं के साथ में अभद्रता की जा रही हो, उनको उसको उसको लेकर के सख्त सख्त एक्शन के लिए पुलिस को दिशा निर्देश दिए जाते हैं और तुरंत जो है इसमें भी कार्रवाई की गई थी। नोएडा पुलिस के द्वारा जो है तुरंत जो है रिपोर्ट लिखी गई थी और उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया था। हालांकि थोड़ी देर लेट की गई थी नोएडा पुलिस की तरफ से, जब तक ये श्रीकांत त्यागी वहाँ से फरार हो गया था, लेकिन नोएडा पुलिस ने करीब मशक्कत के बाद जो है आज पांचवें दिन जो है मेरठ से जो है नोएडा एसटीएफ टीम और नोएडा के जो है पुलिस की टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब उसको गिरफ्तार करके कुछ ही घंटों के अंदर में जो है उसको नोएडा कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट में ही उसको हिरासत की मांग करेगी और उससे अन्य लोगों के से पूछताछ करेगी। जो भी तीन लोग और भी गिरफ्तार हुए उनसे भी पूछताछ करेगी कि पांच दिनों में उनके पास में कौन कौन से नेताओं थे, कौन कौन लोगों ने उसका साथ दिया था और इसके जो और भी अन्य जो काम है उसके बारे में जानने के प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके अन्य भी आगे तरीके के जो काम धंधे निकल के सामने आ रहे हैं। आपके पास हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ताजा जानकारी और अपडेट के साथ। विवेक, श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए मेरठ से गिरफ्तार किया गया है, तीन और कौन लोग पुलिस की तरफ से बताए जा रहे हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी है, किस तरह की हलचल है? बिल्कुल, अब मैं आपको बता दूं, श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये वहां पर मेरठ में छुपा हुआ था। हालांकि इसकी जो लोकेशन थी वो बदलती जा रही थी, अगर हम बात करें पहले हरिद्वार जाता है, फिर उसके बाद सहारनपुर जाता है, फिर उसके बाद कई जगह ये पहुंचता है, उसके बाद जो पुलिस को सफलता मिलती है वो नोएडा पुलिस को सफलता मिलती है, इसको मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसके साथ तीन लोग और गिरफ्तार किए गए, अभी मीडिया को बात करने के किसी से मिलने की उसको इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि तीन और लोग कौन इसके साथ गिरफ्तार किए गए अभी तो पुलिस पहले पूछताछ करेगी, उसके बाद मीडिया से बात करने का मौका दिया जाएगा। विवेक, कई जगह पर श्रीकांत त्यागी के जो निर्माण अधिक जो है अवैध निर्माण जो है उनको ध्वस्त किया गया, अभी कितनी कार्रवाई बुलडोजर कार्रवाई हुई है, कितने निर्माणों को ध्वस्त किया गया, अभी कहां पर और कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका जो भी खाका था इसका मंगवाया है और उसके बाद अब कार्रवाई करने की प्रक्रिया है वो चालू होगी। हालांकि इसकी संपत्ति जो लखनऊ में बताई जा रही है, मोदी नगर में बताई जा रही है और खासतौर से जो नोएडा का भंगेल है वहां पर बताई जा रही है, क्योंकि 15 दुकानें इसकी अवैध है वहां पर, तो उसमें भी जांच चल रही है अभी। तो हालांकि इसको पुलिस पूरी तरीके से इस पर फोकस कर रही थी, जिस तरीके से इसने महिला के साथ जो गाली गलौज की थी, वीडियो वायरल किया था, तो उसके बाद गिरफ्तारी की इसे तलाश कर रही थी। कई टीमें बनाई गई थी, आज टीमें कल बनाई गई थी, उसके बाद 12 टीमें बनाई जाती है, तो उसका एसटीएफ पुलिस में इन्वॉल्व किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो फोकस था पूरा मनीषा वो इसकी गिरफ्तारी को लेकर था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसे तीन लोग और गिरफ्तार किया गया और इससे पूछताछ की जाएगी। मनीषा, ठीक, विवेक अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विनायक, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए यहाँ पर। और चलिए फिलहाल इसी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।